यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। अब विजय, क्या कुछ जानकारी? देखिए, देर रात में ही इस पूरे कानून के लिए नई शिक्षा नीति के तौर पर अगर देखा जाए तो उसके एक तरीके से कहा जाए तो उसका कानून लागू कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि पूरे देश भर में इसे एंटी पेपर लीक कानून का नाम दिया गया है और इसके लिए केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार सभी पूरी तरीके से मुस्तैद है और वो इस प्रक्रिया में है कि कम से कम ऐसी परीक्षा नीति और शिक्षा नीति बनाई जाए जिससे कम से कम परीक्षाओं की स्वच्छता बरकरार रहे। और इसको पेपर लीक विरोधी कानून ये शुक्रवार की रात को ही लागू हो गया है और इसमें जो क्षेत्र आएंगे उसमें सार्वजनिक परीक्षा कोई भी हो उनके अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 इसको नाम दिया गया है। केंद्रीय भर्ती हो, चाहे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और प्रवेश के लिए परीक्षाओं की भर्ती हो, चाहे राज्य सरकार की पेपर परीक्षा हो, इन सभी में इनका पालन किया जाएगा। और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा एक गजट की अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 की एक धारा की उपधारा 2 द्वारा प्रदर्श शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 जून 2024 को उस तारीख से के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध लागू हो जाएंगे। यानी कल ही रात में इसे लागू कर दिया गया है और भारत में इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। सख्ती बरतने की जो बात कही जा रही है उनमें इस कानून के तहत 3 से 5 साल की सजा है और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। वहीं घर पर कुर्की और नोटिस और कहा जाए तो घर गिराने वाला जो बुलडोजर वाला एक्शन है अब ऐसे अपराधियों पर भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर परीक्षा संचालक दोषी पाए जाते हैं तो लगभग 1 करोड़ रुपए का जुर्माना इस पे लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर सख्ती बरतने की पूरी तैयारी है लेकिन कितना बदलाव होगा और जो परीक्षा माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, वो इस तरीके से अगर रुक पाए तो शायद ही छात्रों का कुछ भला हो। और ये एक प्रक्रिया ऐसी है जिसको रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पूरी तरीके से तैयारी कर रही है लेकिन देखना ये है कि आखिरकार कब तक इसे लागू कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बनी रहिएगा हमारे साथ।